अबू इदरीस खुलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में आया, एक चमकता चेहरा, खूबसूरत दांत, मुस्कराती तबीयत, अल्लाह की बातें सुना रहा और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत और एहतराम काबिल रश्क था। कहीं दो राय होती तो लोग उनसे आके अपनी बात पूछते, इसलिए कि उसकी मोहब्बत उनके दिल में थी, उसकी अकीदत उनके दिल में थी। तो मैंने सोचा कल आऊंगा, इससे आके अपने दिल की बात कहूंगा। दूसरे दिन सवेरे आए तहज्जुद की घड़ी में, सुभानअल्लाह, अब ये अल्लाह से बातें कर रहे हैं। अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए कि जो रातों में अल्लाह से खैरात लेते हैं और दिन में अल्लाह के बंदों में वो तकसीम करते हैं, उसमें बरकत बहुत होती है। हाँ, जो रातों को अल्लाह के सामने झोली फैलाते हैं और दिन में अल्लाह के मखलूक की खिदमत करते हैं, उसमें तासीर बहुत होती है, उसका असर बहुत होता है, उसमें बरकत बहुत होती है। तो मैंने पूछा ये कौन है, बताया कि माद इब्न जबल है, रात को तहज्जुद में अल्लाह से मांग रहे, उस घड़ी में नमाज से फारिग हुए तो मैं करीब हो गया। मैंने कहा इन्नी उहिब्बुका लिल्लाह, मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। आत्माद करने लगे, आ लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत। फिर मैंने कहा मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। फिर हज़रत माद ने पूछा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आ लिल्लाह, अल्लाह के लिए। फिर यही सवाल, फिर हज़रत माद ने वही सवाल किया। जब तीनों मरतबा सवाल जवाब का तबादला हो गया तो हज़रत माद फरमाने लगे, अबशिर, खुश हो जाओ, खुशखबरी लो, अल्लाह के नबी ने बताया है कि अल्लाह ने कहा है। फिर खुश हो जाओ, अल्लाह के नबी ने बताया है कि अल्लाह ने कहा है, वजबत मोहब्बती लिल मुतहाबी नफिया वल मुतजाविरी नफिया वल मुतजालिसी नफिया वल मुतबादिली नफिया। जो एक दूसरे को हदिया देते हैं, एक दूसरे पे खर्च करते हैं, एक दूसरे का उठते बैठते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, तो अल्लाह कहता है फिर इनसे मेरी मोहब्बत जरूरी हो जाती है, फिर इनसे मेरी मोहब्बत जरूरी हो जाती है, फिर मुझ पे वाजिब है कि मैं इन्हें अपना महबूब बना लूं। कोई गर्ज नहीं है बैठने के साथ अल्लाह को लिए, अल्लाह के लिए। हदिया देने की कोई गर्ज नहीं है अल्लाह को राजी करने के लिए, इस पे खर्च करने की कोई वजह नहीं है अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, इससे मुलाकात की वजह सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह के लिए मैं इससे मिल रहा हूं, अल्लाह के लिए मैं इससे मोहब्बत करता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का महबूब बनने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के बंदों से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत किया करो। और साथ ये बात समझाई कि ये मोहब्बत पायदार भी बहुत होती है, ये मोहब्बत पायदार भी बहुत होती है। और फिर जिस कदर खुलूस होता है, इखलास होता है, इखलास होता है कि इस मोहब्बत में कोई और चीज शामिल नहीं है, इस ताल्लुक में कुछ और चीज पेश नजर नहीं है, इस मिलने जुलने में कोई और चीज पेश नजर नहीं है, जिस कदर इखलास होगा इतनी ही इस अमल की तासीर बढ़िया होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल बताया है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वजअल हुब्बका अहब्ब इलैय मिन नफ्सी व अहली व मिम्मा इल बारिद।